जितने इज्जतदार बनते हैं ना फिल्म इंडस्ट्री के कि हम तो इज्जतदार हैं, इन लोगों को कोई याद दिलाए कि सुषमा स्वराज जी ने कुछ ही डेकेड्स पहले इसको ऑफिशियल अंडरवर्ल्ड से ऑफिशियल इंडस्ट्री बनाया है। ये अंडरवर्ल्ड था, इनको कोई पैसे नहीं देते थे फिल्म बनाने के लिए, तो सुषमा स्वराज जी ने इनको अंडरवर्ल्ड के चुंगल से निकाला है। ज्यादा करके बर्बादी जो फिल्म इंडस्ट्री की हुई है, ये जब ये पूरा रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म ने जो इसको कंट्रोल किया, उससे जो इसकी बर्बादी हुई है वो इस तरह हुई है कि हम लोग जब मैं 2000s में मैं फिल्मों में आई, तो इवन देन फिल्मों की हीरोइंस मतलब सिर्फ आइटम नंबर, सिर्फ आइटम नंबर, कुछ एक दो इसके सीन्स और चलो, एकदम नौकर की तरह बिठा के रखते हैं सेट पे, जब हीरो आएगा तब स्माइल दो, ना डेट्स आपको देते हैं, सारा आपका कैलेंडर खाली होना चाहिए, जब महान हीरो जी की आपको डेटें मिलेगी तब आपको डेट दो, एंड इट इज अनरिटन रॉ कि आपको रात को उनके कमरे में जाना पड़ेगा उनको गर्म दूध का गिलास लेके। कहां से इज्जत का क्राउन पहन लेते हैं ये मुझसे आके बात करें। Are you saying कि अगर आपको फिल्म में हीरोइन बनना है तो यू हैव टू गो थ्रू द बेड ऑफ द हीरो ऑफ द फिल्म? Are you saying this officially? नहीं, अगर आप बहुत सक्सेसफुल हीरोइन भी हैं तब भी अगर आपको फिल्म चाहिए तो आपको खुश करना पड़ेगा या तो डायरेक्टर को या तो हीरो को। क्वेश्चन पूछे हैं संजय राव जी से एंड उद्धव ठाकरे जी से कि मैं मुफ्तखोर नहीं हूं, उनको मुझे प्रूव करना है। बॉलीवुड की झांसी की रानी अब रियल लाइफ में भी यही बनी हुई है। फिल्म में जहां उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान किया, वहीं वास्तविक जीवन में भी वो सेना और सरकार से अपनी गरिमा और सम्मान को लगी ठेस के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। कंगना ने टाइम्स नाउ को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि महाराष्ट्र सरकार और उनके नेता संजय राउत ने उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, मुफ्तखोर कहकर उनका अपमान किया है, और इसीलिए वो चाहती हैं कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे ये साबित करें सारे देश के सामने कि वो मुफ्तखोर नहीं है। क्वेश्चन पूछे हैं संजय राव जी से एंड उद्धव ठाकरे जी से कि मैं, उन्होंने मुझे हराम को मुफ्तखोर का, मैंने तो बता दिया और मैं पेपर से भी ये प्रूव कर सकती हूं कि मैं मुफ्तखोर नहीं हूं, उनको मुझे प्रूव करना है कि वो मुफ्तखोर नहीं है। कंगना यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि इस सरकार ने राज्य को बर्बाद करने का काम किया। वो कितने मुंह बंद करेंगे, कितने लोगों को मारेंगे, कितनों के घर तोड़ेंगे, कितनों को मेंटली और इमोशनली रेप करेंगे? दे हैव टू टेल अस के व्हाट हैव दे डन फॉर मुंबई। महाराष्ट्र टुडे इज द मोस्ट इन्फेक्टेड स्टेट, उसका पूरी तरह से उन्होंने जो बर्बादी की है, दे आर आंसरेबल टू अस, मेरे पीछे पड़े हुए हैं ऑब्सेस्ड होके, व्हाट आर दे डूइंग, अपने काम तो करते नहीं है। वही जब उनसे मुंबई वापस आने पर सवाल किया गया तो कंगना ने कहा कि वो जल्द मुंबई आएंगी और वो गलत चीजों पर अपनी आवाज उठाती रहेंगी, कोई उनकी आवाज को दबा या बंद नहीं कर सकता। Well, जिस तरह से मुझे टेरोराइज किया गया है और जिस तरह से मुझे हैरेस किया गया है, आई होप के उन्होंने डेफिनेटली ये सब मेरी आवाज बंद करने के लिए ही किया है। मैं बोलती रहूंगी और मेरी आवाज़ बंद नहीं होगी। मेरे भाई की शादी है अभी, उसके करके मैं यहाँ आई हूँ, बट वेरी सून आई विल गो बैक और मैं देखूंगी कि वो क्या करेंगे, मगर वो कुछ भी करे वो मेरी आवाज़ बंद नहीं कर सकते। अगर मैंने अपने थॉट्स बाहर रखी हैं दुनिया में और वो इतने सारे लोगों ने अपनाई है, मेरे जाने के बाद मेरी थॉट्स लोगों के थ्रू बोलेगी एंड पीपल विल आस्क हिम द सेम क्वेश्चंस। कंगना की इस हुंकार से साफ है कि वो कितना आहत होकर मुंबई से मनाली लौटी है। राज्य सरकार के प्रति उनकी नाराजगी उनके बयानों से साफ देखी जा सकती है। ऐसे में अब कंगना के इन सवालों और आरोपों का क्या उद्धव सरकार जवाब दे पाएगी या फिर संजय राउत कोई नया दांव खेलेंगे कंगना के खिलाफ? नवभारत मीडिया।